फिल्मोरा 12 के अंदर अब आप ट्रांसपेरेंट वीडियो को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप मेरी स्क्रीन को भी देखें तो वंडरशिप फिल्मोरा 12 ओपन है और यहाँ पर भाई हमारे पास एक फुटेज है जिसके ऊपर आज हम लोग ये सब कुछ करने जा रहे हैं। अब अगर आपके पास कोई भी आपकी ट्रांसपेरेंट फुटेज है आप वो भी लेके आ सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम लोग चलते हैं भाई अपने टाइटल टैब में। और टाइटल टैब में क्योंकि आपको पता है कि फिल्मोरा के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट टाइटल्स देखने को मिलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाई अपने सिंपली एक टाइटल को पकड़ते हैं और इसको मैं लाकर अपनी वीडियो लेयर 1 के ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, ये भाई हमारा टाइटल यहाँ पर आ चुका है जो कि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई फुटेज लाकर भी लगाता हूँ तो मेरा ये चीज़ यहाँ पर ट्रांसपेरेंट में वर्क करेगी। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग सिंपली एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे हम लोग एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले नंबर के ऊपर MP4 हमें देखने को मिलता है। इसके अंदर भाई आपको यहाँ पर GoPro सिनेफोम का आपको एक कोडेक देखने को मिलता है। इसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक्सपोर्ट अल्फा चैनल, आपने सिंपली इसको चेक कर देना है। इससे होगा कि आप अपनी ट्रांसपेरेंट वीडियो को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो हम लोग ने यहाँ पर ये सेटिंग कर ली हुई है। इसके बाद आप यहाँ पर इसका नेम दे सकते हो। सो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसका टेस्ट, ठीक है, और मैं इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब उसके साइड पर यहाँ पर हमें सेटिंग देखने को मिलती है। सेटिंग में हम लोग चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले नंबर के ऊपर रेजोल्यूशन आती है। तो सेटिंग में आने का मकसद यही हुआ कि आप लोगों ने इसकी रेजोल्यूशन को 1920x1080p के ऊपर रखना है। अगर आपने इसको लो रेजोल्यूशन के ऊपर एक्सपोर्ट किया तो आपको अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो हमारे भाई फिल्मोरा ने हमारी फुटेज को एक्सपोर्ट कर दिया हुआ है। अब हम लोग अपनी फुटेज को ले आते हैं और टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारी फुटेज ठीक तरह से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, इस वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और ये हमारा वो टेक्स्ट आ चुका है जिसको मैंने अभी आपके सामने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। अब सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग भाई अपनी फुटेज ले आते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर वाली तरफ हम लोग अपनी एक्सपोर्ट की हुई फुटेज लाकर लगा देते हैं। और तो यहाँ पर हम लोग इसको प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो भाई यहाँ पर ये जो हमारी फुटेज थी ये विदाउट बैकग्राउंड यहाँ पर हमारे फिल्मोरा ने एक्सपोर्ट की थी, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से यहाँ पर वर्क कर रही है। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। वीडियो का बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट एंड गुड बाय।